अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये आज आप लोगों की उर्दू की किताब उर्दू बी क्लास नर्सरी। आज हम पढ़ेंगे सफर नंबर 22, हरूफ दाल, दाल और जाल का तारुफ। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में दाल पढ़ा था, आज हम दाल और जाल पढ़ेंगे। पढ़िए और पेंसिल फेरिए। दाल, ये आपने यहाँ पे पेंसिल से ट्रेसिंग करनी है डाल की। डाल से डॉक्टर, डाल से डंडा, डाल से डोल। द डॉक्टर, द डंडा, द डोल। डाल से डॉक्टर, डाल से डंडा, डाल से डोल। लफ्ज़ का पहला हर्फ लिखे। अब ये क्या है? डबल रोटी। डबल रोटी के स्टार्ट में आप लोगों को डाल की आवाज़ आ रही होगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दाल। दाल से डबल रोटी। अब हर जाल का तारुफ पढ़िए और पेंसिल फेरिए। जाल, जाल से आप लोगों ने यहाँ पे ट्रेसिंग करनी है, जाल लिखना है। ठीक है, दाल और जाल में क्या फ़र्क है कि दाल के ऊपर छोटी सी तोए आती है और जाल के ऊपर नुक्ता आता है। जाल से ज़खीरा, ज़खीरा, जाल से ज़खीरा। दाल से डॉक्टर, दाल से डंडा, दाल से डोल, दाल से डबल रोटी। इसमें जो है ना आपको द की आवाज़ आ रही है, तो आप लोगों ने दाल लगाना है। जाल से ज़खीरा, जाल की आवाज़ है, ज़खीरा। लफ्ज़ का पहला हर्फ लिखिए, ज़खीरा। ठीक है, अब यहाँ पे ज़खीरा मतलब जाल आएगा। समझ आ गई आप लोगों को? दाल, जाल, दाल के ऊपर छोटा सा तुए और जाल के ऊपर नुक्ता। अब आप लोगों का जो घर का काम है, ये आप लोग की उर्दू की वर्ड बुक, ठीक है, वर्ड बुक का पेज नंबर 20 आप ओपन करेंगे। दाल, ये आप लोगों ने लिखना है। दांत है ना, ये दांत, दाल, दाल से दांत। दराज, दाल से दराज। दरख्त, दाल से दरख्त। ये आप लोगों ने यहाँ पे दाल की ट्रेसिंग करनी है, दाल भी लिखना है, दाल भी लिखना है और जाल भी लिखना है, क्योंकि हम ये तीनों पढ़ चुके हैं, दाल, दाल, जाल। ठीक है, अब ये क्या है? डॉक्टर, द डॉक्टर, दाल से। डाली, द और डोल, द, दाल, 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 दाल। अब ये क्या है? ज़खीरा, जाल। ठीक है, ये आप लोगों का घर का काम है, दाल, दाल और जाल। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। घर पे रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।